सिंगरौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 साल की बच्ची बोलवेल में गिर गई। थाना बरगवा के कसर गांव की अपूरी घटना है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है और एक और बच्ची बोलवेल में गिरने की शिकार। 3 साल की बच्ची बोलवेल में गिर गई। हालांकि रेस्क्यू वहां पर लगातार जारी है, लेकिन एक बार फिर से वही सवाल कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतने हादसों से सबक लेने के बावजूद भी क्यों हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और लगातार इस पूरे मामले की जांच जारी है। फिलहाल बच्ची का रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जो हम आपको दिखा देते हैं। 3 साल की बच्ची बोलवेल में गिर गई। थाना बरगवा के कसर गांव का यह पूरा मामला है जहां पर 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। देखिए यहाँ पर मशीनों को जेसीबी की लगा दिया गया है और बच्ची को बचाने का प्रयास लगातार यहाँ पर जारी है। ये तस्वीरें सिंगरौली से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर कब तक मासूमों की जान इसी तरह खतरे में बनी रहेगी। ये पहला मामला नहीं है, न जाने पिछले कई सालों से कितने ऐसे बच्चे जो बोरवेल के गड्ढे का शिकार हुए हैं। जाने अनजाने में बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं। कई लोगों को, कई बच्चों को सफलतापूर्वक भले ही बाहर निकाला गया हो, लेकिन सवाल ये है कि सबक क्या लिया गया पिछले हुए हादसों से। एक बार फिर से इसी तरह का मामला सिंगरौली से सामने आया है जहां बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू तो शुरू हो गया है, लेकिन कब तक ऐसा ही होता रहेगा। 3 साल की बच्ची इस बार बोरवेल का शिकार हुई है जो बोरवेल में जा गिरी। रेस्क्यू लगातार जारी है। जिम्मेदारान विभाग वहां पर पहुंचे हुए हैं। स्थानीय लोगों की भीड़ भी वहां पर पहुंची हुई है। मायूस चेहरे बता रहे हैं कि चिंता कितनी ज्यादा है, बच्ची की जान पर बन आई है। कोई नहीं जानता अंदर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन पूरी जद्दोजहद के साथ बच्ची को बचाने में जुटा हुआ है। लेकिन एक बार फिर से यही सवाल है कि लापरवाही पहले ही क्यों बरती गई, क्यों बच्ची गिर गई, पहले से क्यों कोई अलर्ट का बोर्ड वहां पर नहीं लगाया जाता है, किसी भी तरह सचेत नहीं किया जाता है कि इस ओर बच्चे या कोई भी व्यक्ति जो है वो इस ओर ना आए। खुले में बोरवेल यहाँ पर खोद दिया जाता है और ऐसे में बच्चे ज्यादातर इसका शिकार हो जाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कई सवाल खड़े कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिंगरौली से जहां पर 3 साल की मासूम बोरवेल में जा गिरी। हालांकि रेस्क्यू वहां पर जारी है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंची हुई है, जिम्मेदारान विभाग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जेसीबी की मशीनें भी वहां लगी है। लगातार वहां पर मलबे को हटाया जा रहा है और बच्ची को बचाने के लिए पुरजोर कोशिशें जारी है। स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। मायूस चेहरों के साथ स्थानीय लोग बस इसी आस में कि बच्ची की जान कैसे भी बच जाए। बड़ा लेट कर दिया आते यार, लेट कर दिया आते यार। क्यों कोई नियम नहीं बनाए जाते हैं और अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा ये बड़ी लापरवाही होती है तो उस पर सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है कि आने वाले वक्त में अगर कोई भी इस तरह का काम करवाता है, अपने निजी काम होते हैं, सरकारी काम होते हैं, तो वहाँ पर लोगों को सचेत किया जाए, सूचित किया जाए, किसी भी तरह का बोर्ड वहाँ पर लगाया जाए ताकि बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति इस ओर ना आए। लेकिन बार बार इस तरह के हादसे होते हैं और बार बार सवालों के घेरे में ये पूरा सिस्टम आ जाता है। देखिए जेसीबी की मदद से लगातार यहाँ पर खुदाई की जा रही है और बच्ची को बचाने के लिए पुरजोर कोशिशें जारी है। थाना बरगवा के कसर गांव की यह पूरी घटना है जहाँ 3 साल की मासूम बोरवेल में जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पुष्पलेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पलेश, अभी क्या जानकारी वहां पर, क्या कुछ तस्वीरें और रेस्क्यू अभी कहां तक पहुंचा है? पुष्पलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो
तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है। एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात वहां के क्या है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जेसीबी की मशीनें लगातार वहां पर मलबे को हटा रही हैं, मिट्टी को हटा रही है और लगातार बच्ची को बचाने का प्रयास वहां पर जारी है। भारी संख्या में स्थानीय लोग, गाँव वाले यहां पर आपको नजर आ जाएंगे। पुलिस प्रशासन की टीम, जिम्मेदारान विभाग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू हो चुका है, पुरजोर प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। 3 साल की बच्ची बोरवेल में जा गिरी, थाना बरगवा के कसर गांव की यह पूरी घटना है। तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जेसीबी से यहां पर मिट्टी को भी हटाया जा रहा है ताकि बच्ची को बचाया जा सके। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और देखिए रात जैसे जैसे होती जा रही है, अंधेरा जैसे जैसे होता जा रहा है, प्रशासन के लिए भी चुनौती पूर्वक बनता जाता है। और यहाँ पर हालांकि पुरजोर प्रयास भले ही किए जा रहे हो, लेकिन एक बार फिर से बड़ी लापरवाही यहाँ देखी गई है। बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है, वहां पर लगातार मिट्टी को हटाया जा रहा है। बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू वहां पर शुरू कर दिया गया है और यह तस्वीरें रेस्क्यू की हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अमला भी वहां पर पहुंचा है और थाना बरगवा के कसर गांव की यह पूरी घटना है। तो 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लगातार बच्ची को बचाने का प्रयास वहां पर जारी है। बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई और बच्ची आखिर बोरवेल में कैसे गिरी, कौन इसका जिम्मेदार है, ये तमाम सवाल और ये जांच का विषय है। हालांकि जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला जाएगा और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए, किन परिस्थिति में होगी मासूम इस बात से समझा जा सकता है। थाना बरगवा के कसर गांव की यह पूरी घटना है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लगातार बच्ची को बचाने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही है। महज 3 साल की बच्ची जो बोरवेल में गिर गई। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पुष्पलेश द्विवेदी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख पुष्पलेश का करते हुए जान लेते हैं मौजूदा हालात कैसे हैं, बच्ची बोरवेल में आखिर कैसे गिरी, किसकी बड़ी लापरवाही है वहां। पुष्पलेश आप तक आवाज पहुंच रही है? तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क बार बार टूट रहा है, एक बार फिर से पुष्पलेश से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं और यहाँ पर हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है, यही दुआ कर रहा है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। लेकिन एक बार फिर से लापरवाही की भेंट यहाँ पर बच्ची चढ़ती हुई नजर आई है। 3 साल की मासूम बोरवेल में जा गिरी, पहला ऐसा मामला नहीं है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी पुष्पलेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पलेश, बच्ची कैसे गिरी, क्या समय था जब बच्ची गिरी, क्या मौजूदा हालात वहां पर बने हुए हैं? निश्चित तौर पर ये पूरा मामला करीब 3:30 का बताया जा रहा है, जो बरगमत थाना क्षेत्र का है, जो मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बच्ची सौम्या साज है, वो आज करीब दोपहर में यहीं पर उसी के अंदर एक बोरवेल था। हालांकि लोग उसे बता रहे हैं कि वो बोरवेल पूरी तरह से ढका हुआ था, बारिश होने की वजह से जो उसके ऊपर मिट्टी की गई, इस बोर के ऊपर गड्ढे के ऊपर वो मिट्टी अंदर धस गई और बच्ची ने उस गड्ढे को ध्यान नहीं दिया। बच्ची खेलते खेलते अचानक से बच्ची जो है तो वो बोरवेल का वो गड्ढा था उसके अंदर गिर गई। जानकारी के मुताबिक जिलों को जानकारी लगी, परिजन आए तत्काल यहां पर और जिला प्रशासन को सूचना दी। आनंद फानंद में पूरा जिला प्रशासन, एसपी कलेक्टर सहित जिले के तमाम अधिकारी जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं यहां पर। और यहाँ 5 जेसीबियां लगी हुई हैं जो नहीं है।
पुष्पेश, क्योंकि आपने बताया 3 बजे से बच्ची गिरी हुई है, समय बीतता जा रहा है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या किसी भी तरह का संपर्क बच्ची से हो पाया है, कोई अपडेट मिल पाया है, ऑक्सीजन के लिए क्या कोई बंदोबस्त वहां पर किया गया है, क्या जानकारी? जी बताना चाहूंगा, यहां पर ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था कर ली गई है, जो ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से बच्ची को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, और जो कुछ जो आपका साउंड का है, साउंड अभी कलेक्टर साहब से बात हुई, बताया कि फोन के माध्यम वो उन तक उनसे बात हुई है बच्ची की। बच्ची अभी जो है तो कलेक्टर साहब ने बताया है कि करीब 25 से 30 मीटर फीट जो गहरा है वहां पर बच्ची लगा तो चार क्रिया हुई है, इससे बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पलेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर, उम्मीद है कि जल्द ही बच्ची को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया जाएगा।